छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पहचान छुपाकर विवाह करने और जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करने का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज की है। महिला ने पति के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। शिकायत के बाद फिलहाल पुलिस ने महिला को सखी सेंटर में भेजा है। मामले में अब तक किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और पुलिस ने लव जिहाद की बात को भी स्वीकार नहीं किया है। दरअसल वेस्ट त्रिपुरा पोस्ट लेफुंगा की रहने वाली महिला ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने का काम करती है। जॉब के सिलसिले में वो कुछ दिनों पहले रायगढ़ आई थी और सारंगढ़ जिले के सरिया में एक NGO में काम करती है। पीड़िता के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए 4 साल पहले उसकी पहचान गुलशन मनहस नामक व्यक्ति से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुआ और उसने आंध्र प्रदेश के वद्रा पालम में उसे बुलाकर उससे हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी कर ली। पीड़िता के मुताबिक जब भी वो उसके परिवार के बारे में बातचीत करती थी तो पति गोल मोल जवाब देता था। 7 दिसंबर 2022 को उन दोनों का एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम उसने गुरदीप रखा। 4 महीने बाद गुलशन उसे अपने गाँव कांदी लेकर गया जो की जम्मू कश्मीर के पास था। पीड़िता को अपने ससुराल वालों का रहन सहन चाल चलन अजीब सा लगा। आसपास पता करने पर जानकारी हुई कि गुलशन मुस्लिम है। गुलशन का वास्तविक नाम भी रियाज अहमद है। पीड़िता ने जब पति से इस बारे में बातचीत की तो उस पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। जब उसने इनकार किया तो उसे प्रताड़ना दी गई। क्या नाम है आपका? दिलरुबा देववर्मा। ये क्या मामला है? पूरी घटना बताइए। हिंदू मुस्लिम का लव जिहाद का मामला है। उसने मुझे हिंदू बोल के शादी किया, मेरे साथ बच्चा हुआ, फिर उसने जम्मू कश्मीर लेकर जाके मुझे हिंदू बनाने की कोशिश किया। फिर मैं जम्मू कश्मीर बाकी इधर आया, पर यहाँ पर पुलिस CM कोई भी मुझे हेल्प नहीं करे। ये बताइए लड़के का नाम क्या है जिससे शादी? गुलशन मनहस। उसका 2 नाम है, एक रियाज अहमद, एक गुलशन मनहस। कैसे जान पहचान, कब हुई थी आपकी? सर हम लोग 2020 में कॉल पे बात हुई थी, 6-7 महीने प्यार हुआ, फिर हम लोग चेन्नई में शादी किया जी। फिर उसके बाद बेटा होने के बाद उसने जम्मू कश्मीर लेकर गया और मुझे धर्म चेंज करने के लिए बहुत फोर्स किया, मारा पीटा सब कुछ किया। घर से मैंने 2-3 बार भाग आए। लास्ट टाइम मैंने अपने घर भाग के आया। आने के बाद मैंने बोला मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अपने नाम से कैसे पर दम के दिया, तुझे मार डालूंगे मैं जी। बच्चे को लेकर जाएंगे और तुझे मार डालूंगे जी। और मैं यहाँ पर सरिया में एक स्कूल में टीचिंग है, यहाँ पर आके पुलिस लोग लेकर आया उससे मेरे स्कूल में जी। फिर मुझे स्कूल से मुझे भागना पड़ा। वो मुझे 2-3 दिन से चाकू लेकर घूम रहे स्कूल के पास, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप अपना नाम क्या बताया था उसे जब पहले बताया? गुलशन मनहस। और बाद में क्या नाम था? रियाज अहमद। फिर मैंने यहाँ पर CM को भी 3 बार कॉल किया, 2 पुलिस स्टेशन सरिया पोस्टल में भी कॉल किया, पर वो लोग कुछ नहीं बोला। बोलते उसका प्रूफ चाहिए, वो मुस्लिम है तो प्रूफ चाहिए। मैंने प्रूफ दे दिया, फिर भी कुछ नहीं किया। फिर मैंने लास्ट तक मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। अभी क्या चाहते हैं? अभी मुझे मैं चाहिए वो मैंने हलवद में हो, मैंने वैसे पकड़ के जेल में डाले और किसी लड़के का लाइफ बर्बाद हो। उसका पहले से 2 बीबी है और 4 बच्चे आए। जब तक मुझे अन्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं ये बंद नहीं करूँगी, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। पीड़ित किसी तरह भागकर पहले दिल्ली और उसके बाद छत्तीसगढ़ के सरिया पहुंची। यहां उसने एक NGO में काम करना शुरू किया। पीड़ित के मुताबिक उसके पति की पहले भी 2 शादियां होने की जानकारी मिली है। पीड़िता ने इस संबंध में कलेक्टर और SP से मिलकर लिखित शिकायत की है। इधर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महिला को सखी सेंटर भेजा है। मामले में पुलिस फिलहाल लव जिहाद की बात स्वीकार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत आई है जिसकी सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। एक महिला है, वो NGO के थ्रू यहाँ काम करती है, शिक्षिका का, तो उसके द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत पर जांच की जा रही है। कुछ प्रताड़ना की बात की है? हाँ, वो पति के संबंध में उसने अपने शिकायत दी है और जो शिकायत है वो शिकायत की जांच की जा रही है। विस्तृत से आपको इन्फॉर्म किया जाए। इसमें महिला को भी सखी सेंटर भेजा जा रहा सुरक्षा के लिहाज से। सुरक्षा के लिहाज से भी सखी सेंटर भेजा गया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या कुछ सच निकल कर सामने आता है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।